ओके स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने ना कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाया था फॉर द नोजल इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है, फॉर द सिंपल इम्पल्स टर्बाइन हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था, कल एक वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था। वही वेलोसिटी डायग्राम आपके पास स्क्रीन पर है। इसके अंदर है ना आप है ना पूरा कंसिडरेशन के साथ में चलो कि क्या हो रहा है। वापस से अगर किसी को समझ में नहीं आया था तो मैं इसको है ना एक बार वापस से शॉर्ट नोट में बता रहा हूँ, तो इसको है ना देख के चलते चलो किस टाइप से ना ये परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले है ना हमको ये देखना होता है कि सबके अंदर सब में से कॉमन क्या चीज़ है। सब में हमारे पास कॉमन थी पेरिफेरल वेलोसिटी यू, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ये यू ड्रॉ किया। दिस इज द यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी हमारे पास क्या था, यू था। ठीक है, इस ए बी के बाद में हम लोगों ने ना ए से लेकर डी तक क्या ड्रॉ किया, एंगल बीटा ड्रॉ किया। ये जो हमारे पास एंगल बीटा आ रहा है, इस एंगल बीटा को ड्रॉ किया। इस बीटा की हेल्प से हम लोगों ने ए डी बनाया, जो कि क्या थी हमारे पास में एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो कि क्या थी हमारे पास में एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, यहाँ से हम लोग हैं इसको जब ड्रॉ कर रहे थे तो हमको ये पता है कि ए डी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है। ए डी शुड बी इक्वल टू द ए सी। ये ए डी इक्वल टू ए सी कैसे आया? अगर हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट करके चलें तो हमारे पास के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को है ना हम लोग नेगलेक्ट करके चलें तो हमारे पास है ना के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। एट दैट टाइम हमारे पास CR2 किसके इक्वल होता है, CR1 के इक्वल हो जाता है। एट दैट टाइम CR2 किसके इक्वल होता है, CR1 के इक्वल होता है। अगर हम वेलोसिटी के है ना इफेक्ट को देखें या फिर हम बोले फ्रिक्शन के इफेक्ट को है ना आप कंसीडर करें, तो फ्रिक्शन के इफेक्ट के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो VR2 है और जो आपका VR1 है, इसके अंदर ना डिफरेंस आने लग जाता है। वॉट वी से वी आर सेइंग दैट के इज इक्वल्स टू VR2 ओवर VR1। एक हम लोगों ने इसको सी की टर्म अगर डिनोट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, CR2 ओवर CR1। ठीक है, तो अगर वहाँ पर हमारे पास कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है तो ये के की वैल्यू आ जाती है। ड्यू टू दिस के वैल्यू CR2 हमारा क्या हो जाता है, दैट इज अ वैल्यू जो हो जाती है लेस देन CR1। ओके, दैट्स वाई हमारा जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अगर तुम लोग ध्यान दो, इस डायग्राम के अगर तुम लोग ध्यान दो तो इस डायग्राम के अंदर है ना ये जो इस पर देखो ये स्टेज ऐसे जाना चाहिए था, इन दोनों का लेवल सेम आ रहा है, बट ये कुछ इस एंगल के ऊपर क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन व्हिच इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉसेस, व्हिच इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉसेस। ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके ऊपर बेस्ड, वो समझते हैं सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले हमारे पास है फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। प्लीज राइट आउट, इसको लिखते चलना। ये फॉर्मुलेज हैं, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मुलेज। इन फॉर्मुलेज को यूज करते हुए हमको क्या करना है, इसकी स्टडी करनी है। ओके, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास में वो फॉर्मूला है किसका, फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास में फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हो रहा है mv/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो रहा है, mv/t। यहाँ से ना m/t को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो रेट। m क्या है, मास। ठीक है, t क्या है, टाइम। तो इसको हम बोलते हैं मास पर सेकेंड, दैट इज द मास फ्लो रेट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं m.। से इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, m.। से 20 इसको हम लोगों ने डिनोट किया है m.। से इफ वी आर यूजिंग द m.। हियर इट्स कॉल्ड द मास फ्लो रेट। याद रखना, m.। इज रेफर टू द मास फ्लो रेट। और फिर हम लोगों को यहाँ पर क्या लिए, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है हमारे पास में, तो चेंज इन वेलोसिटी कम्स विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें चेंज इन वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पर अगर अपन इसके डायग्राम के ऊपर ध्यान दें, इसके डायग्राम के ऊपर ध्यान दें तो इस डायग्राम के अंदर कंसीडर करना टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना वो वेलोसिटी चेंज हो रही है इतनी, ठीक है, दैट इज VW1 प्लस VW2। अगर ये मेरा VW2 इस टाइप से अंदर की साइड में कभी कंस्ट्रक्ट हो, अगर VW2 मेरा इस साइड में कंस्ट्रक्ट हो तो ये क्या हो सकती है हमारे पास में वैल्यू हो सकती है VW1 माइनस VW2। अगर ये भार्ग में कंस्ट्रक्ट हो रहा है जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी डायग्राम के अंदर हम लोगों को विजिबल है, तो ये क्या हो रहा है VW1 प्लस VW2, तो इसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं VW1 प्लस माइनस VW2। और अगर हम लोग इसकी जगह नोटिफिकेशन अगर कहीं पर तुमको C मिल रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा CW1 प्लस माइनस CW2, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी CW, जिसको हमने क्या बोला है नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी CW। तो इस CW के लिए देखो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया है कि M is equals to VW1 प्लस माइनस VW2, M is equals to VW1 प्लस माइनस VW2, ठीक है, जहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन द एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट इन द एक्चुअल डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में m डॉट va1 माइनस va2। समटाइम इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं m डॉट इज इक्वल टू ca1 माइनस ca2, ca1 माइनस ca2। व्हाट इज द c हियर, c इज द वेलोसिटी एंड ये क्या किसको डिनोट कर रहा है, इसकी एक्सियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। वर्क डन के बारे में बात करें अगर तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज द टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द ब्लेड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स कितना था, टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास में वैल्यू थी कितनी, ये वाली mvw1 प्लस माइनस vw2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जिसके साथ में ब्लेड वेलोसिटी के साथ में, ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया है ब्लेड का वर्क डन निकल के आ गया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ द ब्लेड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो किसकी बात करें हम लोग, पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन की बात कर रहे हैं। तो पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन कितनी हो जाएगी, जितना वर्क डन है, जितना हमारे पास में वर्क डन है, इस वर्क डन को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं टू चेंज इट इनटू द किलोवाट, ठीक है। वर्क डन क्या है हमारे पास में, टोटल जो भी वर्क डन आ रहा है उसको हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में ना बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हैं जो कि हमको स्टीम टरबाइन के अंदर स्टडी करने, फर्स्ट वन दिस, ठीक है, दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसीज के बारे में, तो पहले ये लोग सब लोग है ना 4 फॉर्मूलाज लिख लो, फिर आगे अगली एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। ओके, हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, टेंजेंशियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, वर्क डन बाय द स्टीम और पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन। वर्क डन बाय द स्टीम के अंदर हम लोगों ने सिर्फ कंसीडरेशन में लेकर आए हैं टेंजेंशियल फोर्स को, कंसीडरेशन में हम लोग लेकर आए हैं सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स को, बिकॉज जो हमारी टर्बाइन का रोटेशन हो रहा है वो टर्बाइन का रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन के अंदर है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ टेंजेंशियल फोर्स एज आवर प्राइमरी फोर्स। ओके, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके लिए हम लोगों ने ब्लेड वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सर नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, कोई एक ऐसा है कि जिसको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर ये क्या गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आया फॉर्मूला टेंजेंशियल वर्क डन वाला। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास फोर्स जो है वो हम किसकी टर्म में ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की टर्म में ले रहे हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की टर्म में ले रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया, इधर डिवाइडेड बाय टी कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया, ठीक है। एफ इंटू टी करने से मेरे पास में क्या आया, फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन में आया है, जिसको हमने एम डॉट से डिनोट किया है, और एफ अपॉन टी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन टी से तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली, और डी मल्टीप्लाई बाय टी, इसके थ्रू हम लोग क्या इसको निकालने वाले हैं, वेलोसिटी को निकालने वाले हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी को निकालने वाले हैं। तो वहां से हमारे पास में क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आया है। इसको समझो, वर्क डन के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि हमारा जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन क्या होता है, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइंग डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम in the direction of the force, in the direction of the force। तो हमारे पास में टेंजेंशियल फोर्स तो है ft, और फिर क्या आ रहा है हमारे पास में मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड इन द यूनिट टाइम d/t। तो ft कितना है मेरे पास में, m डॉट vw1 प्लस माइनस vw2 और d मल्टीप्लाई बाय d/t को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी पेरिफेरल वेलोसिटी, दैट इज द u। ये बार बार vw1 प्लस माइनस vw2 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखे m डॉट vw मल्टीप्लाई बाय यू, या फिर हम लोग लिखेंगे इसको m डॉट cw मल्टीप्लाई बाय यू। ठीक है, तो हम इन दो फॉर्मूलाज का यूज, मतलब इसकी जगह पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पावर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, पावर निकालने के लिए जो भी वर्क डन था उसको डिवाइडेड बाय कर दिया 1000 से, तो मेरे पास ये पावर आ गई है किसके अंदर, किलोवाट के अंदर। इसके थ्रू हम लोग है ना ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करो कि है ना ब्लेड एफिशिएंसी होती क्या है। सबसे पहले डिफाइन करो कि ब्लेड एफिशिएंसी होती क्या है। तो देखो ब्लेड एफिशिएंसी इस टाइप से निकाली जाती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ब्लेड पर सेकेंड टू द एनर्जी एंट्रिंग टू द ब्लेड पर सेकेंड, मतलब कितनी एनर्जी एंट्री हो रही है और हम कितना उसको वर्क डन जनरेट कर पा रहे हैं। एनर्जी सप्लाइड का मतलब हो गया इनपुट, और हमारे पास क्या इससे निकल के आ रहा है आउटपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी होती है। उसी के थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर ब्लेड एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो ब्लेड एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा बी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईटा बी से डिनोट करते हैं। वर्क डन कितना हो गया हमारे पास में, m डॉट vw मल्टीप्लाई बाय u। vw की वैल्यू समटाइम प्लस माइनस, समटाइम हमारे पास ना vw की वैल्यू क्या हो जाती है, vw1 प्लस vw2, समटाइम क्या होती है vw1 माइनस vw2। कितनी एनर्जी सप्लाइड करी जा रही है ब्लेड को, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। तो हो गई हाफ m डॉट v1 स्क्वायर। देखो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है हर जगह, ब्लेड पर सेकंड। यहाँ पर हमने बोला वर्क डन बाय द ब्लेड पर सेकंड। पर सेकंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मास फ्लो रेट का यूज कर रहे हैं, m डॉट का। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस व्हाट वी गेट 2u vw अपॉन v1 स्क्वायर। वी हैव द स्मॉलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी 2u vw अपॉन v1 स्क्वायर। टू यू वी डब्ल्यू अपॉन वी वन स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्सियल थ्रस्ट निकाला था जो कि एक्सियल फोर्स की डायरेक्शन में बता रखा था, सेम वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज m डॉट vf1 माइनस vf2। कितना है, m डॉट vf1 माइनस vf2। बात करते हैं अगली एफिशिएंसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। अगली एफिशिएंसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। ये लिख लिया बच्चे सबने? यस सर। यस सर। बेटा सबने लिख चुके हैं ना इसको? यस सर। बाकी भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अपने पास में यार। जो सिद्धांत आज के शांत कैसे पूरे बैठा हुआ है, पूछ जवाब दिया कर। यस सर लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्रोथ स्टेज एफिशिएंसी। एक हमने बात कर ली किसके बारे में, ब्लेड एफिशिएंसी के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी के बारे में। देखो क्या होती है ये, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ब्लेड्स per kg of steam flowing through the stage to the isentropic enthalpy drop। per kg of steam मतलब m dot हम लोग यहाँ पर कितना लेके चल रहे हैं, 1 to the isentropic enthalpy drop। अगर हम लोग isentropic enthalpy drop की बात करें तो isentropic enthalpy drop हमारे पास क्या होता है, डेल्टा h isentropic। मेरे पास में अगर ये नोजल है, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल प्रेशर था या फाइनल प्रेशर था, तो यहाँ पर कितनी इसकी इंथेल्पी लॉस हुई h1 से h2 तक, इसको हमने क्या बोल दिया, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। इसको हमने क्या कहा है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। यही डेल्टा H हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया है, डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। इसको हमने क्या बोला है, डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्कडन पर, वर्कडन कितना होता है वैसे, MUCW होता है अपॉन M डॉट डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। अगर हम लोग इसको 1 kg नहीं मान के चलते हैं तो If we taking it 1 kg, अगर हमने इसको क्या कर दिया है, 1 kg कंसीडर कर लिया है, तो 1 kg कंसीडरेशन करने के बाद में हमारे पास में ये जो फॉर्मूला जनरेट हो गया है, हमारे पास ये फॉर्मूला जो जनरेट हो गया है, फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास में, UCW अपॉन डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। मैंने 2 से क्या करा इस फॉर्मूले के अंदर, इसको 2UCW कर दिया, C1 स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, C1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जो 2 था उससे डिवाइड कर दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि 2UCW अपॉन C1 स्क्वायर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड एफिशिएंसी। और जब हम लोग है ना नोजल एफिशिएंसीज के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने क्या बोला था, नोजल एफिशिएंसी क्या थी, C1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा H आइसेंट्रोपिक। ध्यान रखना ये चीज, यहाँ पर C1 का मतलब है ना इनलेट वेलोसिटी इनटू द नोजल नहीं है, यहाँ पर C1 का मतलब ये है कि नोजल से कितनी वेलोसिटी बाहर निकल रही है। इन द चैप्टर नंबर 2 वी आर टेकिंग इट एज अ C2, बट अभी हमारे लिए स्टीम के टरबाइन के लिए कैसी है, ये नोजल है, नोजल मतलब स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर होने वाली वेलोसिटी है, इसलिए हमने C1 की बात करी है। अगर हम बात करते किसके बारे में, अगर हम बात करते कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है हमारे पास नोजल के अंदर, तो नोजल के अंदर ये C2 है जो हमने C1 लिखी हुई है ये वाली, और अभी क्या है ये हमारे पास में C1 है। ये ध्यान रखना दोनों के कंपैरिजन के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी होती है इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्लेड एफिशिएंसी टू द नोजल एफिशिएंसी। ठीक है, द ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्लेड एफिशिएंसी एंड नोजल एफिशिएंसी। इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन करें? चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Here is on your screen the question. Steam issues from the nozzle of a D-level turbine. D-level turbine का मतलब किस टाइप की टर्बाइन की बात कर रहे हैं हम लोग? D-level टर्बाइन का मतलब हम लोग किस टाइप की टर्बाइन की बात कर रहे हैं? सिंपल इंपल्स टरबाइन। गुड, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल इंपल्स टरबाइन की। ओके तो इस सिंपल इंपल्स टरबाइन की वैल्यू जो हो रही है हमारे पास में वो कैसी है, आपको क्या बोला गया। अब देखो आपको मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिखाए हैं, अब वो कैसे याद रहेंगे उसके लिए क्या करो, सबसे पहले एक ना रफ डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले कि हमको है ना सबसे पहले U बनाना होता है। U से है ना यहाँ पर से एक C1 जाता है जो कि क्रिएट करता है एंगल α1। फिर यहाँ से है ना हमारे पास में क्या जाता है, CR1 जाता है। परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हमको क्या दे देगा, CA1 दे देगा। ये क्रिएट करेगा एंगल β1 को। इस CA1 की वजह से हम CR1 की वजह से हम क्या ड्रॉ करते हैं, CR2 ड्रॉ करते हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी C2 ड्रॉ करते हैं। फिर हमारे पास में क्या आती है, ये एक्सियल वेलोसिटी CA2 है। दिस एंगल इज α2, दिस एंगल इज β2। यहाँ से लेकर यहाँ तक CW1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस CW2 है और इन दोनों को सम कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है CA1 CW आ जाता है। ये मेरा बेसिक क्या है, एक वेलोसिटी डायग्राम है। इस वेलोसिटी डायग्राम को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में मुझे इसके अंदर क्या करना है, ड्रॉ करना है। मुझे क्या करना है यहाँ पर इस वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो जो पैरामीटर्स दे रखे हैं ना, पहले उन पैरामीटर्स को कन्वर्ट करते हैं कि पैरामीटर्स हमको दिए क्या क्या है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन को पढ़कर मुझे गिवन डाटा बता दो कि सर ये गिवन डाटा हमको गिवन है, कि दिस इज आवर गिवन डाटा। बताएं मैं क्या क्या गिवन लिखूं, क्या क्या गिवन है मुझे। दो मिनट दे रहा हूं, सोचो और गिवन बोलो। क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। ये 1200 मीटर पर सेकंड क्या दे रखा है, C1। कैसे माना कि ये C1 है? कैसे पता चला कि ये C1 है? सर ये नोजल में से जो वो स्टीम आ रही है, उसके नोजल में से आ रही है ना स्टीम। गुड। ये क्या आ रही है, नोजल के अंदर से आ रही है और है ना हमारी टरबाइन की जो ब्लेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि C1 कितना है, C1 इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। चलो फिर हमको दे रखा है नोजल एंगल इज 20 डिग्री। जब स्टार्टिंग में नोजल एंगल दे रखा होता है तो ये हमारा इनलेट नोजल एंगल होता है। इसको हमने बोल दिया कि इनलेट नोजल एंगल कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है। द मीन ब्लेड वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकंड। बताओ जरा ये 400 मीटर पर सेकंड क्या है? CR1। बेटा रिलेटिव के बारे में बात करिए आपसे। सर नहीं सर, जब भी आपसे ना ब्लेड वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है तो ब्लेड वेलोसिटी किससे डिनोट करी है हमने? पेरिफेरल ब्लेड वेलोसिटी बोल दो या मीन ब्लेड वेलोसिटी बोल दो, दोनों ही किसको बताती है, यू को बताती है। ठीक है। फिर हमको क्या बोला कि इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड्स आर इक्वल। इनलेट एंड आउटलेट एंगल्स ऑफ द ब्लेड्स आर इक्वल मतलब हमको क्या बोल दिया, बीटा 1 इज इक्वल टू क्या दे दिया है हमको, बीटा 2 दे दिया है। ओके। द मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द नोजल पर और इज 900 kg। एम डॉट दे रखा है मुझे कितना, 900 kg पर और, मगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर सेकंड के अंदर। तो मैं आगे ड्रॉ करूँ तब तक है ना बाकी लोग जो हैं वो इसको है ना पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके बता देना। बोले सर ये 900 kg पर और को पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी वैल्यू आ जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन ने है ना एक चीज और बोली है, वो भी इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, कि हमको है ना जो k कंसीडर करना है ना, यहाँ पर बोला हुआ है कि अज्यूम k इज इक्वल टू 0.8। हमको क्या बोला है कि अज्यूम करना है कि k इक्वल टू क्या है, 0.8 है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि k इक्वल टू 0.8। ये मेरे को है ना बेसिक चीजें दी हुई है। अब मैं इन चीजों की हेल्प से क्या करूंगा, सबसे पहले है ना रेस्ट ऑफ द वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या क्या वैल्यूज दे रखी है और हम कैसे वैल्यूज की निकाल सकते हैं। तो चलें इसके वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। पेंसिल स्केल कंपास लेके बैठे हुए हो ना सब? यस सर। चलो तो ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मैं क्योंकि अगले इसके ऊपर स्क्रीन पे चल रहा हूँ। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं ना। आओ, इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको स्केल मानना पड़ेगा। हमको पता है कि सबसे पहले क्या बनानी होती है, हमको एक बेसलाइन बनानी होती है। यू कितना दे रखा है, यू कितना दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड। 400 मीटर पर सेकंड स्केल क्या लें अपन 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ठीक है। तो लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड। ये मैं है ना सबसे पहले ही हमको मेंशन करना है कि है ना हमको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लेना है 100 मीटर पर सेकंड लेना है। तो सबसे पहले एक बेसलाइन क्रिएट करो 4 सेंटीमीटर की। ठीक है सबसे पहले क्या करो एक बेसलाइन ड्रॉ करो कितने 4 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ से लेकर एक 4 सेंटीमीटर की बेसलाइन ड्रॉ कर दी। थोड़ी बड़ी हो जाए मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग तुम्हारे हिसाब से 4 सेंटीमीटर की बेसलाइन ड्रॉ करो। हो गया। नाम दे दो इसको साथ के साथ में कि लेट्स सपोज कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस वन पॉइंट इज बी। पॉइंट ए पे मेरे को क्या ड्रॉ करना है ब्लेड एंगल और पॉइंट बी पे मुझे क्या ड्रॉ करना है नोजल एंगल। नोजल एंगल कितना दे रखा है आपको। अब देखो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए तुमको C1 पता है और 20 डिग्री पता है। तुमको C1 पता है और 20 डिग्री पता है। तो तुम क्या करो बी के ऊपर है ना कंपा वो आपका डी रखो। पॉइंट बी के ऊपर है ना मैंने क्या रखा डी को रखा और यहां से कितना डिग्री का एंगल क्रिएट कर दो यहां से 20 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दो। मैंने 20 डिग्री पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है अब स्केल लेके क्या कर देंगे यहाँ से 20 डिग्री का एंगल के ऊपर है ना एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन खींच दो और उसके ऊपर मार्क कर दो 12 सेंटीमीटर को। क्योंकि मेरा C1 कितना है 12 सेंटीमीटर है। मेरा C1 12 सेंटीमीटर है तो मेरा U कितना बन गया 4 सेंटीमीटर का बन गया। मेरे पास में है ना जो C1 बनेगा वो कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर का बनेगा। ये पॉइंट मार्क करा पॉइंट मार्क करके है ना इससे अलाइन कर देते हैं। इससे अलाइन करो और फिर इसके ऊपर क्या करोगे यहां से खींचती हुई एक 12 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अरे 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। अदरवाइज क्या करोगे यहां से क्या कर देना आर्क कट कर देना। जो आर्क तुम्हारा कहां पर कट करेगा यहाँ पर कहीं कट करेगा। इसको C पॉइंट मार्क कर देना जिसकी लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और ये जो एंगल आया है ये एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ बन रहा है 20 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है। बोलो इतना बन जाए तो बोलना वाले सर हो गया इतना बन गया। A को मिला देना C से A को मिला देना C से ठीक है। A को C से मिलाने के बाद में इस लाइन को कर दो एक्सटेंड। ये हमारी AB वाली लाइन थी ना इस लाइन को कर दो एक्सटेंड। इस AB वाली लाइन को मैंने क्या कर दिया यहां से इस AB वाली लाइन को मैंने क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है हमको क्या मिलेगा यहाँ से एंगल मिलेगा बीटा। तो हमको क्या करना है यहाँ पर मेजर करना कि ये वाला एंगल कितना मिल रहा है। दिस इज द बीटा वन। ये मेरे को मेजर करना है। मुझे ये भी मेजर करना है कि ये कितनी वैल्यू आ रही है जो वैल्यू है CR1 की। ये CR1 कितना आ रहा है फटाफट मेजर करके बताओ ड्रॉ करके। इतना टाइम नहीं है। तो 5 मिनट में क्लास खत्म हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि है ना एक इनलेट और आउटलेट ट्रायंगल तो मेरे साथ साथ में ड्रॉ कर दो। अच्छा इस पॉइंट C से परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे कोई बताएगा समझाएगा मुझे। इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे? देखो सीडी को सीबी, हाँ देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री हमको ड्रॉ करना है। एक एंगल हम लोगों को कितना दे रखा है? ऑलरेडी 20 डिग्री दे रखा है। एक एंगल हमको कितना दे रखा है? ऑलरेडी 20 डिग्री दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर बने 90 डिग्री बने तो उसके लिए है ना ये जो बीसी की बेस है इसके ऊपर कितना डिग्री का एंगल आएगा? 70 डिग्री का एंगल आएगा। तो है ना ट्रायंगल, इसको डी को बेस मानो, बीसी को बेस मान के, ये मैंने बीसी को है ना बेस माना, बीसी पे बेस मान के कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना? 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना। लेट्स सपोज कि वो 70 डिग्री का एंगल है ना ड्रॉ हो गया मेरे पास में यहाँ पर। ये है ना मेरे पास बीसी का है ना वो कितना आ गया यहाँ पर? मान लो ये 70 डिग्री आ गया इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? इसका 70 डिग्री आ गया। बस यहाँ से मेरे को क्या करनी है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से मैंने क्या करी? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये अपने आप क्या निकल के आ गया? इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। बीटा वन किसी का मेजर हुआ क्या? कितना डिग्री है? एनीवन जिसका बीटा वन कितना हो? 40. कितना है बच्चे? 30 डिग्री, ठीक है, करेक्ट एकदम। द बीटा वन शुड बी 30 डिग्री। CR1 बताओ जल्दी 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 जल्दी। CR1 कितना आया? 840 मीटर पर सेकंड, एकदम करेक्ट, बहुत अच्छे। हमारे पास बीटा वन यहाँ से निकल के आया है 30 डिग्री। CR1 निकल के आया है मेरे पास में कितना? 840 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो लेंथ आई होगी ना, वो लेंथ कितनी आई होगी हमारे पास में? 8.4 की लेंथ आई होगी। इसकी जो लेंथ आई होगी वो कितनी आई होगी? 8.4 की लेंथ आई होगी। हमको क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? बीटा वन इक्वल्स टू बीटा टू है। हमको क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? बीटा वन इक्वल्स टू बीटा टू है। आज वो बीटा वन हमने निकाल लिया 30 डिग्री, हम बीटा टू की बात करते हैं। अब देखो बीटा टू कहाँ से बनेगा? यहाँ से है ना 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देते हैं। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री का एंगल है। स्केल लो और इसको यहाँ पर है ना एस्टेब्लिश कर दो। ये लो, स्केल लो और यहाँ से ना 30 डिग्री बनाती हुई एक लाइन खींच दो। शट लगा दो, है ना। ये स्केल लगा के लाइन खींच दी हम लोगों ने। अब देखो हमको CR1 पता है कितना है? 840 मीटर पर सेकंड। देखो क्लास एंड होने वाली है, मैं फटाफट से समझाता हूँ, सुन लो। हमको CR1 पता है कि कितना है? CR1 पता है मुझे कितना है? 840 मीटर पर सेकंड। तो जो भी मेरे पास ये लाइन आई थी ना यहाँ से, इसके है ना हम लोगों को पता है कि जो वैल्यू ऑफ के है, द वैल्यू ऑफ के क्या होती है? CR2 अपॉन CR1 होती है। तो आपके पास में CR2 गिवन है, CR1 गिवन है, तो K मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? CR1। K कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 840। वॉट एवर क्या आता है इसका मल्टीप्लीकेशन? ये आएगा तकरीबन 672। तो 6.7 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पर मार्क कर दो। 6.7 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पर मार्क कर दो। लेट्स सपोज वो पॉइंट आया मेरा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये पॉइंट कट करा तो इस पॉइंट को मार्क कर दिया हम लोगों ने। ये डी हो गया, ये पॉइंट हो गया ई। बी को मिलाना ई से, और ई से वापस से ये देखो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री को बेस मानो, 60 डिग्री का एंगल बना देना। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास में? परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये पॉइंट आ गया मेरे पास में एफ। तो ये मेरे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद सारी वैल्यूज निकाल लेना आपकी, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, और इन वैल्यूज को जो हमने कभी इससे पहले फॉर्मूलाज देखे थे उन फॉर्मूलाज में पुट करके जो ये वैल्यूज आई थी हमारे पास, क्वेश्चन पूछा है, ये सारे एंगल्स ये वैल्यूज निकाल के बताना। कल की क्लास में तुमसे इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और चाहूंगा इतना तुम्हारे पास कंप्लीट हो। ये जो मेरा इनलेट और आउटलेट ट्रायंगल है इतना सबके पास कंप्लीट हो। जिसको भी कोई भी डाउट हो कल मुझसे जरूर पूछना। ओके स्टूडेंट्स। ओके सर, चलो आज की क्लास में यहीं करते हैं, कल इसको है ना आगे प्रोसीड करेंगे। बट चाहूंगा सब बताएं, सब ड्रॉ करके रखना। ओके स्टूडेंट्स।